अमनौर में पर्यटक केंद्र बढ़ा पोखरा के छठ घाट का निरीक्षण सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूड़ी ने किया है। निरीक्षण के दौरान कहा गया कि छठ के आयोजन घर में होते हैं, अब तो देश भर में होते हैं। चाहे गोवा के तट पर हो, मुंबई के तट पर हो, या दक्षिण में हो, या पूर्व में हो, या पावन सूर्य की उपासना है, उसी के क्रम में सारण जिले के कई स्थानों पर हमारे संसदीय क्षेत्र छठ पर्व के माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों के साथ इसका संरक्षण किया है। यह अमनौर है, इसके बाद छपरा के कई स्थानों पर निरीक्षण किया जाएगा। सब लोग छठ पर्व पावन पर्व है और इसका हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, गहराई तालाबों से ज्यादा है, उसके लिए गोताखोरों की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की जाती है। घाटों की साफ सफाई से लेकर छठ व्रतियों के लिए सुविधाजनक व्यवस्था करने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। एक बार सबको छठ पर्व के पर्व पर संध्या पर बहुत बहुत बधाई दी गई है। बिहार के उपचुनाव में बोली कि नतीजा स्पष्ट, जनता दल, यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी, हम के एवं लोजपा के संयुक्त प्रत्याशी हैं और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी संयुक्त रूप से चुनाव बिहार में होता है और अब तो देश भर में होता है। चाहे गोवा के तट पर हो, या मुंबई के तट पर हो, या दक्षिण में हो, या पूरब में हो, और ये पावन सूर्य की उपासना, और उसी के क्रम में सारण जिला में कई स्थानों पर भी हमारे संसदीय क्षेत्र में छठ पर्व माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ, अधिकारियों के साथ इसका सर्वेक्षण, ये अमनौर है, इसके बाद छपरा के कई स्थानों पर निरीक्षण करेंगे। सब लोग छठ पर्व पावन पर्व है, इसको अच्छा से मनाएं और हर्षोल्लास के साथ मनाएं। सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, गहराई तालाबों में बहुत ज़्यादा है, उसके लिए गोताखोर इत्यादि की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से किया जाता है। एक बार सबको छठ पर्व की पूर्व संध्या पर आप सब लोग को बहुत बहुत बधाई। चलिए, और कोई मैसेज दे सकते हैं? और बताइए, आप इधर आ जाइए। पॉलिटिकल में आप लोगों को आ लीजिए, DSP साहब को निकले, इधर ले आओ, इधर ले आओ।